गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में पॉलीमर चैप्टर शुरू किया था, जिसमें आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो एक नया बहुलक है, टेरेलीन। ये बहुलक एग्ज़ाम में डेक्रोन नाम से भी आ सकता है, तो चाहे डेक्रोन की बात की जाए या टेरेलीन बहुलक की बात की जाए, दोनों बहुलक एक ही बहुलक है। तो प्रत्येक बहुलक में एक ही चीज़ याद करने के लिए होती है कि बहुलक को बनाने की विधि क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बनाने की विधि में सबसे पहले तो ये पता लगाना होता है कि इस बहुलक को बनाने में कौन कौन सी मोनोमर यूनिट काम में आती है, मोनोमर यूनिट या एकलक इकाइयां। तो टेरेलीन बहुलक को बनाने में दो मोनोमर काम आते हैं, एक तो होता है ग्लाइकोल और एक होता है टरथेलिक एसिड। तो ग्लाइकोल की और टरथेलिक अम्ल की अभिक्रिया से फाइनली क्या बनेगा, फाइनली टेरेलीन बहुलक बनेगा। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता लगाना होता है कि इस बहुलक को बनाने की मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म अपने आप पता चल जाएगी जब अपने को पता चल जाए कि ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है और टरथेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्लाइकोल का फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया था, दो कार्बन होते हैं और दोनों कार्बन से दो OH समूह जुड़े हुए होते हैं, ऐसी N इकाइयां भाग लेगी। ठीक इसी प्रकार यदि टरथेलिक अम्ल की बात की जाए तो बीच में एक बेंजीन रिंग होती है जिसकी पैरा पोजीशन के ऊपर दो COOH समूह जुड़े हुए होते हैं, ऐसी N इकाइयां भाग लेती है। अब मैंने आपको बताया था एक इकाई में एक छोटा समूह है H हो, दूसरी इकाई में एक छोटा समूह है OH उपस्थित हो, तो तुरंत वहाँ से क्या बाहर निकल जाता है, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। किसके रूप में, H2O के रूप में। तो यदि वाटर मॉलिक्यूल H2O के रूप में बाहर निकल रहा है तो इस विधि का नाम क्या हो गया, इस विधि का नाम हो गया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या ऐसे ही कहा जाता है संघनन बहुलकीकरण। तो अब ये जैसे ही इससे H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलने पर बची हुई यूनिट क्या बचेगी, यहाँ से इसका H पीछे आने वाली यूनिट के OH से, इसका OH आगे आने वाले यूनिट की H से रिप्लेस हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास क्या बचेगा, फाइनली अपने पास एक ऑक्सीजन रहेगा, उससे CH2 जुड़ा हुआ रहेगा, CH2 जुड़ा हुआ रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, सी डबल बॉन्ड O ये यूनिट आ जाएगी यहाँ पे, उसके बाद में एक बेंजीन रिंग, फिर सी डबल बॉन्ड O, फिर आगे एक वैलेंसी फ्री, ऐसी N इकाइयां जुड़ जाएगी। ऐसी N इकाइयां यदि आपस में जुड़ जाए तो इसी बहुलक को क्या कहा जाता है, इसी बहुलक को टेरेलीन बहुलक कहा जाता है, या फिर इसे क्या कहा जाता है, डेक्रोन कहा जाता है। तो इसमें समझने लायक एक बात और आती है कि इसी बहुलक को अपन पॉलिस्टर भी कहते हैं, पॉली प्लस एस्टर। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ध्यान से देखिए, इसमें बीच में एक यूनिट बनी हुई है तो सी डबल बॉन्ड O, ये यूनिट होती है एस्टर। ऐसी एक से अधिक एस्टर इकाइयां आपस में जुड़ती है तो क्या बन जाएगा, पॉली एस्टर। इसलिए जो टेरेलीन बहुलक होता है वो किसका एग्जांपल होता है, वो पॉली एस्टर का एग्जांपल होता है। अब बनाने की विधि के बाद में अपन पढ़ते हैं इस बहुलक के गुण या फिर उसकी प्रॉपर्टीज। तो गुण, जो आपका टेरेलीन बहुलक होता है वो भी रेसे बनाने के काम आता है, इनकी रेसे की क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है। और ये जो रेसे होते हैं, इनसे जो कपड़ा बनेगा उस कपड़ा की क्वालिटी होती है कि उसमें सलवटें नहीं पड़ती है, क्रिज बनी हुई रहती है। इसके अलावा इसका उपयोग टेक्स्ट, अब इसके गुणों के बाद में इसके उपयोगों की बात की जाए तो चूंकि इसमें रेसा काम में आ रहा है तो रेसा होने के कारण क्या होता है, इसका उपयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में तो होगा ही होगा, उसके अलावा वायुयान की बैटरी उपकरण बनाने में, चुंबकीय टेप बनाने में, सूती कपड़े या ऊनी कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। तो टेरेलीन बहुलक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बहुलक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सीधा अगला अपने से ही पूछेगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन टेरेलीन या फिर डेक्रोन। तो उसमें अपने को ये तीन स्टेप फॉलो करने हैं, बनाने की विधि, गुण और उपयोग। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।